यही सरकार है बीजेपी की और नीतीश जी की, जिसने एससी एसटी कानून को खत्म कराने की भारी साजिश करने का काम। अभी फिलहाल में जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। उत्तराखंड में किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार। यानी भाजपा के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट जाकर के जो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का था और जो जजमेंट आया कि भाई मौलिक अधिकार आरक्षण नहीं है, इसकी भी साजिश जो रची गई पूरी तरीके से भाजपा के लोगों ने रचने का था। रविदास जी का जो मंदिर रहा दिल्ली के तुगलकाबाद में, उसको तोड़ने का, बल्कि इतना पुराना मंदिर है लोग, बहुत ही पुराना मंदिर आप देख सकते हैं, उसको पूरा तरीके से सरकार ने अतिक्रमण का नाम देकर के किस प्रकार से करवाने का साजिश किया। आप बताइए, अगर हम लोग सजग नहीं होते, जागरूक नहीं होते, अगर पूरा समाज एससी एसटी कानून को लेकर के अगर भारत बंद नहीं करता, सड़कों पे नहीं आता, जब रविदास जी की मूर्ति मंदिर को जब तोड़ा जा रहा था दिल्ली के सड़कों पे नहीं आता, तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी ताकत है आप लोगों में कि सड़कों पे आप आए तब जाकर के सरकार को अपना फैसला जो है वापस लेना पड़ता है। चाहे वो प्रेमुल्ला हो, उसने जो आत्महत्या की, बल्कि हम तो कहते हैं कि सरकार ने उसकी हत्या करवाने का काम किया, जो सिस्टम है उसके खिलाफ उलटने का काम कर रहा था वो छात्र, लेकिन उसको शारीरिक मानसिक प्रताड़ना किस प्रकार से लोगों ने किया ये जग जाए। आज कहीं ना कहीं से जो मुद्दा जो गर्म है देश में, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, एनआरसी है, सीएए है, इसको आप लोग गहराई से समझिए कि भाजपा वाला ध्यान बुझ के कहता है मुसलमान 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 मुसलमान। मुसलमान भाई लोग तो इस बात को समझ रहे हैं कि ये संविधान विरोधी कानून है, काला कानून है, लेकिन असल बात जो दलित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, खास तौर पे जो गरीब है, ये बात उनको समझने की जरूरत है।